बहुत सारी घटनाएं हैं। रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद ने आके एक बार पूछा कि अब विवेकानंद बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति, बहुत किताबें पढ़ रखी थी उन्होंने, उन्होंने उपनिषद भी पढ़ रखे थे और सब, तो वो अपने तरीके से सोचने वाले व्यक्ति थे, वो अपने ढंग से सोचते थे। रामकृष्ण परमहंस ने कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, पर उनके भीतर अनुभव था। जैसे हम कल रमण की बात कर रहे थे, रमण के पास अनुभव रहा। तो ये वो कहते विवेकानंद की मैं ब्रह्मचर्य की बहुत वो कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर वो होता नहीं और वो फिर मुझे बहुत दिक्कत होती है और रात को स्वप्न दोष हो जाता है, वीर्य स्खलन हो जाता है। तो उनको लगा ये बहुत बड़ी समस्या है, योगियों के लिए सन्यासियों के लिए बड़ी प्रॉब्लम है ये, रात दिन वो एक ही चीज़ में लगे रहते कि ऊर्जा नीचे नहीं चले जाना, कुछ वैसा नहीं हो जाना, वैसा ना हो जाए। रामकृष्ण परमहंस खूब जोर से हंसे, उन्होंने कहा अरे नरेन, घड़ा भरता है तो छलक जाता है यार, इतनी सी बात, शरीर में कोई चीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो बाहर निकल जाएगी। अब ये रामकृष्ण परमहंस के देखने का ढंग है सहज, क्योंकि उनके लिए कोई पाप और पुण्य नहीं है। मगर बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे, अभी मैं कुछ दिनों पहले रामकृष्ण पीठ है, रामकृष्ण मिशन चलता है हमारे यहाँ, उनके कुछ साधुओं के साथ था। मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा कैसा अर्थ का अनर्थ हो जाता है कि वो साधुओं से मैंने कहा कि हमको कहीं जाना था, तो मैंने कहा चलें, तो मैंने कहा कैब कर लेते हैं, कोई कार बुला लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, मैंने कहा आपको क्या संकोच है, कार में बैठने में दिक्कत बोले नहीं कार, पर उनके पता नहीं आपस में क्या बात चल रही थी। तो मैंने कहा कि आप मुझे बताएं क्या दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसी जगह नहीं बैठते जहाँ स्त्रियाँ बैठी हों। क्या बात है, मैंने कहा ऐसा आपको किसने बताया। तो बोले हमारे गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस ठाकुर वो कहते थे कामिनी कांचन का त्याग करो, कामिनी माने स्त्री और कंचन माने पैसा, स्त्री और पैसा छोड़ दो। मैंने कहा कितनी नासमझी है, जो आदमी पूरे समय माँ माँ कर रहा है वो स्त्री छोड़ने को बोलेगा, जीवन भर जो माँ की उपासना में लगा है, अद्वैत के अनुभव के बाद भी वो काली के पास बैठते थे जाके, मगर अब मामला बैठने का अलग था, पहले वो एक पुजारी की तरह बैठते थे, अब वो काली ही हो जाते थे, अब वो माँ से वार्तालाप नहीं होता था, माँ ही हो जाते थे। जो माँ का उपासक है, जो अपनी पत्नी, उनकी शादी हो गई, उनकी शादी ऐसी कर दी थी कि वो गदाधर जो 16 साल 18 साल के हुए, जब वो वहाँ मंदिर में खो जाते थे और रोते थे, तो उनकी माँ ने लोगों ने सोचा कि ये ना ये शादी नहीं हुई इसकी, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो 5 साल की लड़की से उनकी शादी करा दी थी, वो जो शारदा माँ है वो 5 साल की थी, इनकी शादी करा दी। पर ये शारदा माँ, आपने भी देखा ना डॉक्यूमेंट्री में, शारदा माँ के वो पैरों में फूल डालते प्रणाम कर, और शारदा माँ ने रामकृष्ण परमहंस की बात को आगे बढ़ाया, वो बुद्धत्व को उपलब्ध हुई उनके सानिध्य में। और ये कहते हैं कि जहाँ स्त्री बैठती हम बैठते नहीं। मैंने उनसे कहा कि आपके आसमान से टपके कि पिताजी से हुए, भाई आप हुए तो माँ से ही होंगे, ये बात तो है बायोलॉजी में जितनी समझता हूँ। मेरे से कहने लगे कि आपके बात समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा ठीक बात नहीं आ रही तो मैं मजे में हूँ, आपके आ रही आप परेशान हो, मैं तो किसी भी कैब में बैठ के चला जाऊँगा, आप खड़े रहो धूप में परेशान होते रहो, स्त्री जहाँ बैठी वहाँ बैठे, ये क्या पागलपन है। अभी भी आज भी, मतलब आज की स्थिति में, आज के दौर में रामकृष्ण परमहंस कब हुए, और बिल्कुल गैर पढ़े लिखे आदमी, उनकी समझ आप देखो और इनकी समझ आप देखो। कामिनी का मतलब स्त्री नहीं है, ये इतने ही समझे, कामिनी का मतलब इच्छा है। आपके मन में कुछ भी इच्छा, गुरु होने की इच्छा ये कामिनी है, पैसे कमाने की इच्छा कामिनी है, नाम करने की इच्छा कामिनी है। कामिनी का मतलब कोई स्त्री थोड़ी हुई, इन्होंने लगा दिया कामिनी माने स्त्री, कंचन माने रुपया, कामिनी कंचन का त्याग करो। और हमारे उपनिषद क्या कह रहे हैं, हमारे उपनिषद कहते हैं कि तेन तक्तेन भुंजिता, वो कहते हैं जिसने भोगा उसी ने त्यागा और जिसने त्यागा उसी ने भोगा। बहुत ही अजीब सी बात है, रामकृष्ण परमहंस भी कहते थे ये बात, उनके पास कोई आया उसने कहा कि अरे आप त्याग मूर्ति हैं, रोने लगा वो पैर में पड़ के, और हमसे तो ये कुछ छूट ही नहीं रहा और आप तो त्याग मूर्ति हैं। तो वो जब वो थोड़ा रो दिया ना, जब वो बैठा तो रामकृष्ण परमहंस उसके पैर पकड़ कर रोने लग गए, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे, उसने कहा आप मेरे से भी बड़ी त्याग मूर्ति। उन्होंने कहा अरे आप ये क्या करते हैं, बोले आप मेरे से भी बड़ी त्याग मूर्ति। बोले क्यों, अरे बोले देख, बोले मैंने तो ये कुछ खाना छोड़ दिया, कुछ ये आराम थोड़ा सा छोड़ दिया, पर तू तो ब्रह्म को ही छोड़ दिया। देख मेरे पास तो परमात्मा है, मैं तो परमात्मा में जी रहा हूँ,
पर तू गजब का आदमी, परमात्मा को छोड़ के पता नहीं काहे में जी रहा, तो तू बड़ा त्यागी हुआ कि? तो तेने तकते ने भुंजिता, जिसने त्यागा उसी ने भोगा, और जिसने भोगा उसी ने त्यागा, इसलिए भोगना जरूरी, जीवन से गुजरना तो है। इसलिए तो कहते हैं कि नाव, नाव के अंदर पानी ना हो, पर नाव तो पानी में ही होगी।